तो हेलो, गुड इवनिंग गाइस। बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल उन्नति जॉक्स में। तो गाइस, बताना चाहूँगा आपको जो अगला मैच होने वाला है इंडिया लीजेंड वर्सेस श्रीलंका लीजेंड का, बहुत ही बेहतरीन जो मैच होगा ये। इसमें आपको पता ही है, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, जहीर खान, इरफान पठान से लेकर सारे बड़े से बड़े खिलाड़ी खेलने वाले हैं, जो पहले भी मैच हो चुका है और इंडिया पहला मैच जीत चुकी है। ये जो सीरीज चल रही है रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड सीरीज, इसकी टीम आज बनाएंगे गाइस हम। और इसमें क्या करना है आपको, कैसे आप टीम बनाएंगे, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली टू यू ऑल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। तो गाइज, ये मैच होने वाला है इंडिया के वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, समीर दिघे को 70% लोगों ने लिया हुआ है गाइस। और मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि, मानता हूँ ये बैटिंग करने ऊपर थोड़ा सा ऊपर आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी बैटिंग आ पाएगी। थोड़ा सा ही 16-17 ओवर के बाद ही बैटिंग करने आ पाएंगे, उससे पहले हो वो भी तब की बात है अगर सचिन सहवाग या युवराज मोहम्मद कैफ खेल कर चले जाएंगे, तब जाकर समीर डिगे की बारी आएगी। क्योंकि और चार खिलाड़ी हमारे पास ये हैं, सचिन सहवाग, युवराज, कैफ और फिर ये पठान वगैरह तो बहुत बाद में आएंगे, बहुतुले पठान, उससे पहले तो यहाँ पर समीर दिघे खेल के जाएंगे। लेकिन मैं समीर दिघे को फिर भी ड्रॉप करूँगा, यहाँ से मैं लूँगा कालू को, यहाँ से मैं लूँगा इन चारों ओपनर्स को, ठीक है। युवराज सिंह को 32% लोगों ने लिया है, तो युवराज, ये लोग सोच रहे हैं कि युवराज नहीं चलेगा, अगर किसी दिन युवराज चल गया तो ये बहुत अच्छी पिकअप हो सकता है। सॉरी फॉर दैट। तो ये कपू गेदरा, मोहम्मद कैफ, ये छः खिलाड़ी टोटल अगर ले सकते हैं हम, लेकिन मैं यहाँ से जो है मोहम्मद कैफ की तरफ जाऊंगा, कपू की तरफ को मैं नहीं लूँगा यहाँ से। ये थोड़ा सा इनका जो है बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा मजबूत है श्रीलंका का, तो मैं इनके ऑलराउंडर दोनों बॉलर यहाँ से मैं इनका एक लूँगा, चमिंडा वास, जहीर खान। देखिए अब दिक्कत आ जा रही है यहाँ पे हमें, क्रेडिट प्रॉब्लम में, क्रेडिट इशू हो रहा है हमारे साथ गाइस। यहाँ से सचिन को ड्रॉप करना पड़ेगा, किसी एक को ड्रॉप करना ही पड़ेगा आपको, अगर आप बेहतरीन टीम बनाना चाहते हैं, एक ग्रैंड लीग की टीम बनाना चाहते हैं, तो आपको किसी एक को ड्रॉप करना ही पड़ेगा गाइस। मारवन अट्टा पट्टू एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, यहाँ से आप उनको पिक कर लीजिए। यहाँ से आप महरूफ को हटा के इरफान पठान को ले लीजिए। यहाँ से जहीर खान भी आ जाएगा, लेकिन फिर वही क्रेडिट इश्यू हो जाएगा हमारे पास। जहीर खान को लेके यहाँ से आप जो है एक मुनव पटेल ले लेंगे और एक ले लेंगे आप चंदाना, चंदाना को ले सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा कोई इशू नहीं है। रंगाना हैरात को ले सकते हैं, ठीक है। अब फिर वही इशू हो जाएगा कि हमारे पास आप मुन्ना पटेल को वहाँ से ले लेंगे, यहाँ से मरूफ को लेके, तो ये टीम आपकी गाइस बनेगी, ठीक है। मैं इस टीम के साथ जाऊँगा, इसी टीम के साथ मैं खेलना चाहूँगा अगर मैं ग्रैंड लीग खेलता हूँ तो। इसमें क्या रहेगा मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन, देखिए इसमें भी चाहे आप चेंजेस कर सकते हैं, अट्टा पट्टो हटा के आप इनको ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से इनको हटा के इनको ले सकते हैं, तो ये टीम भी आप रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है गाइस। मैरूफ भी एक अच्छे बॉलर हैं, तो वो एक अच्छी पिक हो सकते हैं आपके लिए, तो ये टीम भी रह सकती है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करो तो मैं ग्रैंड लीग खेल रहा हूँ गाइस, ओपनिंग करने आएगा सचिन सहवाग, और सहवाग को 45% लोगों ने कैप्टन बनाया हुआ है, दिलशान को 24% लोगों ने बनाया हुआ है, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है कि हम यहाँ से दिलशान को या सहवाग को कैप्टन बना के ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, इतना है कि अगर हम इन दोनों में से किसी एक को कैप्टन बनाते हैं तो हम ग्रैंड लीग के चांसेस में हैं, अगर युवराज और कैफ बहुत अच्छे रन मार जाते हैं तो। गाइस, ये टीम रहने वाली है, मेरा कैप्टन अभी भी युवराज रहेगा, वाइस कैप्टन मैं दिलशान को रखूँगा, तो ये टीम मेरी रहेगी गाइस, और इसी टीम के साथ मैं खेलूँगा। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा चैनल को भी, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।